आज मैंने ये ब्रेड रेगुलर आटे से माइक्रोवेव में बनाया है। माइक्रोवेव सभी के घर में होता है, इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये तैयार होकर बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और फ्रेग्रेंट बनता है। ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम एक टिन लेंगे, ब्रेड टिन, और उसको हम इसे ग्रीस कर लेंगे। अब उसके बाद सूखे आटे से इसे चारों तरफ से कोट कर ले। अब इस ग्रीस टिन को हम एक तरफ रख देंगे और बैटर बनाने की तैयारी करेंगे। 150 ml वाली कप से एक कप भर कर मैंने यहाँ पर आटा इस्तेमाल किया है। अब इस आटे में ब्रेड की अच्छी बाइंडिंग के लिए हमें थोड़ा सा मैदा मिला लेना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप मैदा मिलाया है। अगर इस मैदे को हम नहीं मिलाएंगे तो ब्रेड टूटने लगेगा। अब यहीं पर 1 tablespoon कॉर्नफ्लावर मिला लें, साथ में 1/4 teaspoon बेकिंग पाउडर मिला लें और इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लीजिए, आपका ब्रेड मिक्स तैयार हो गया। ये चीज़ें अगर ना भी मिलाएं तो भी ईस्ट से आप ब्रेड बना सकते हैं। तो मिक्स किया हुआ ये आटा हमने एक बोल में डाला है। आप चाहें तो सिर्फ आटे से, सिर्फ मैदे से या दोनों चीज़ 50-50 मिलाकर ब्रेड बना सकते हैं। ये टोटल आपकी पसंद पर है। अब यहाँ पर एक गड्ढा बना लेते हैं और बकिया चीज़ें हम यहीं पर डालेंगे। ये हमने 1/2 teaspoon ड्राई ईस्ट लिया है। अब ईस्ट की खुराक मीठा होता है, तो हमने यहाँ पर पिसी हुई चीनी डाला है। 1/2 teaspoon नमक है, जिसे हम ज़रा हटकर डालेंगे, ईस्ट के ऊपर नहीं डालना। सॉफ्ट और जालीदार ब्रेड बनाने के लिए हम यहाँ पर एक अंडा इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर है। एक टेबल स्पून हम इसमें तेल डालेंगे जो कि कुकिंग ऑयल है, किसी भी ब्रांड का आप डाल सकते हैं या पिघला हुआ बटर भी डाल सकते हैं। अब हमने 125 ml यहाँ पर ल्यूक वार्म मिल्क लिया है, यानी नीम गर्म दूध, और धीरे धीरे इसमें हम इसे डालेंगे और देखते हैं ये कितना इस्तेमाल होता है। इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से इसे मिलाकर गूंध लेना है। और अभी ये नीम गरम सा आटा तैयार हो चुका है और इस तरह से इसे हम इकट्ठा कर लेंगे और फिर इसे राइस करने के लिए हम किसी पॉट में डालकर थोड़ी देर छोड़ देंगे। अब देखना है कि ये कितनी देर में राइस होता है। अब यहाँ पर हमने एक बोल रखा है, उसमें ये आटा डाल देते हैं। ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देना है ताकि ये चिपके नहीं। सारी किनारी को एक जगह इकट्ठा करके इसे दबा कर रखना है ताकि गर्मी इसके अंदर बनी रहे और ये अच्छे से राइज हो सके। अच्छी तरह से बहुत सॉफ्ट आटा तैयार हुआ है। अब इसे ढककर किसी गर्म जगह में रख देना है। लगभग 100 ml दूध हमने इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा 4 चम्मच दूध इसमें बच गया है।
बहुत अच्छे से 45 मिनट में ये आटा राइज हो चुका है। इसे एक बार और अच्छे से पंक्चर कर लेना है। कई फोल्ड करने के बाद ये बहुत अच्छे से राइज होता है और इसे हम एक बार और राइज कराएंगे। कई बार फोल्ड कर लेने के बाद ये एक चौड़ी सी पट्टी सा मैंने इसको बना लिया है और अब इसे छुरी की मदद से थोड़े थोड़े दूर पर कट लगाना है। इसे मैं बांट नहीं रही हूँ बल्कि इस कट लगाने के बाद जब टिन में डाला जाएगा तो इसमें बहुत अच्छा सा ये राइस भी होगा और इसमें एक बहुत अच्छा सा निशान भी आएगा जो देखने में बहुत अपीलिंग लगता है। तो इस तरह से आप काट लें और फिर इसे एक साथ उठाकर बेकिंग टिन में डाल दें और फिर इसे दोबारा राइज होने के लिए माइक्रोवेव में डाल देना है। 45 मिनट तक माइक्रोवेव में बंद करके रख देने के बाद ये दोबारा राइज हो चुका है। अब इसके बाद हमने इस पर एग योक की कोटिंग की है जो कि बेक होने के बाद बहुत ही अच्छा इसका कलर आएगा, बहुत अच्छा टेक्स्चर आएगा और देखने में बहुत अपीलिंग लगेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त ब्रेड हमारा बनकर तैयार हुआ है। अभी इसे थोड़ा देर ठंडा होने देना है और उसके बाद मैं इसे पलट कर दिखाऊंगी। मैंने इसे माइक्रोवेव में बनाया है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने 5 मिनट इसे प्री हीट किया था माइक्रोवेव को और फिर 22 मिनट मैंने इसे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर तैयार किया और रिजल्ट आपके सामने है। इसे आप देखकर खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना मज़ेदार सा ब्रेड तैयार हुआ है। बिल्कुल गर्मा गर्म ब्रेड है और अभी हाथ भी लगाने में दिक्कत हो रही है। मुझे तो ये रोज़ रोज़ की चपाती बेलने से भी ज़्यादा आसान लगता है। इसे आप अगर छुट्टी के वाले दिनों से एक दिन पहले बना लें तो सुबह का नाश्ता बहुत आसानी से आपका निकल सकता है। बच्चे इसे खाकर खुश हो जाएंगे। इसे आप मटर पनीर से खाएं, मटर आलू की सब्ज़ी से खाएं, गोश्त और कलिए से खाएं या इस पर जैम स्प्रेड कर लें, रूम टेम्परेचर पर पिघला हुआ बटर इस पर लगा लें। हर हालत में ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे चाय में डुबाकर खाना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो इसे अक्सर बनाती हूँ, इस बार बारी है आपके बनाने की। उम्मीद है आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसे बनाएं, खाएं और खिलाएं, लोगों के साथ इसकी रेसिपी को शेयर करें, हमें अपने रिएक्शंस लिखें। उम्मीद है आपने इस वीडियो को बहुत पसंद किया होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेमत और आप नेमत अहमद के चैनल पर बने हुए हैं। थैंक यू।